सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं रट्टू पोपट। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चाइनीज़ ट्रेवलर्स के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने ग्रीक और रोमन ट्रेवलर्स जो थे उनके बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। सो अब हम शुरू कर रहे हैं चाइनीज़ ट्रेवलर्स। तो चाइनीज़ ट्रेवलर्स में आपको इन चार ट्रेवलर्स के नाम याद रखना है, ठीक है। पहला नाम है फाहियान, दूसरा है इत्सिंग, तीसरा है सुंगयान और फोर्थ है हिनसेंग, ठीक है। तो इस तरह से ये चार हैं। फिश वर्ड याद रखिएगा, FISH, ठीक है। F से फाइयान, I से इत्सिंग और S से सुंगयांग और फोर्थ से मत सॉरी फोर्थ से क्या H से ह्यूनसेंग, ठीक है। तो इस तरह से ये चार हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं फाइयान के बारे में, ठीक है। तो फाइयान जो था वो एक ट्रेवलर था, ठीक है, मतलब घूमने फिरने वाला इंसान था ये, ठीक है। और ये किस राजा के टाइम पे आया है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आया है चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, गुप्त राजा के टाइम पर आया है, ठीक है। इसकी एक बुक है जिसका नाम है फुगोजी, ठीक है। अब इसका नाम फुगोजी आपको मिलेगा नहीं बुक्स में, बाकी आपको इतना याद रखना है फुगोजी नाम की बुक थी जिसके अंदर क्या लिखा हुआ था। इसमें मिलता है अपने को रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, ठीक है। तो जो भी बुद्धिस्ट किंगडम उस समय हुआ करते थे, क्योंकि चाइना में तो सभी जगह पे बुद्धिज़्म था, तो बुद्धिज़्म के चक्कर में ये लोग क्या करते थे, उसकी खोज में निकलते थे दूसरे देशों में, ठीक है। तो ये इंडिया आया था, ठीक है, गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर, ठीक है। फिर इसमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो गुप्त काल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, गुप्त राजा के टाइम पर आया, ठीक है। और इसने उस समय के जो मध्य प्रदेश के लोग थे, ठीक है, मध्य प्रदेश के लोगों को इसने प्रॉस्परस पाया, प्रॉस्परस मतलब समृद्ध पाया, मतलब यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश थे, ठीक है। और साथ ही साथ में इसने जो मालवा रीजन है अपने इंडिया का, उसका क्लाइमेट जो है वो वर्ल्ड का सबसे अच्छा क्लाइमेट बताया, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से, क्योंकि इसने एमपी के बारे में कुछ ना कुछ बात इसके इसमें लिखी है। तो याद रखिएगा, फाइयान ट्रेवलर था, गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया, फुगोजी नाम की बुक जिसमें रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम मिलता है, ठीक है, और गुप्त काल के बारे में लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के लोगों को प्रॉस्परस पाया इसने, ठीक है, और मालवा का क्लाइमेट वर्ल्ड का सबसे अच्छा क्लाइमेट है, ठीक है। फिर उसके बाद में पढ़ना है हमें इत्सिंग के बारे में, ठीक है। इत्सिंग कौन है, 7th सेंचुरी में आया हुआ है, ठीक है, 7th सेंचुरी के टाइम पर आया, ठीक है। और इस टाइम पर नालंदा विश्वविद्यालय में ये आया था, ठीक है। और ये चाइनीज़ ट्रेवलर के साथ में ये ट्रांसलेटर भी था, ठीक है। तो ट्रांसलेटर था मतलब जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके बताते हैं वो था, ठीक है। इसकी जो बुक है उसके अंदर जो डिटेल मिली है, ठीक है, डिटेल क्या है कि कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में लिखा है, मतलब इंडिया के साथ साथ में कौन कौन से राज्य उस समय चल रहे थे वो, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखा है इसने, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी इतना ज़्यादा इसका रोल नहीं है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, 7th सेंचुरी में आया, चाइनीज ट्रेवलर था, ट्रांसलेटर भी था, और कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में लिखा है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखा है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें पढ़ना है सुंगयांग को, ठीक है। सुंगयांग कौन है, इसके बारे में हमें कोई ज़्यादा डिटेल बिल्कुल याद नहीं रखनी है, बस इतना याद रखिए कि ये एक चाइनीज ट्रेवलर था, ठीक है। अब इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें क्योंकि हमें क्या है, हिस्टोरिकल लिटरेचर में इतनी सारी चीज़ें मिलती नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें मिली हैं तो हम उन्हीं को बेस बनाकर हिस्ट्री का पार्ट लिखते हैं, ठीक है। तो सुंगयांग उनमें से एक है, तो बस इतना याद रखना है, सुंगयांग कौन था, एक चाइनीज ट्रेवलर था, नाम से ही पता लगता है वैसे तो। फिर उसके बाद में हमें जो पढ़ना है वो है ह्यूनसेंग, ठीक है। ह्यूनसेंग अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक चाइनीज ट्रेवलर था, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, ठीक है। 15 साल इंडिया में रहा ये, ठीक है, 15 साल इंडिया में रहा, ठीक है। और इसने बुक जो लिखी थी उसका नाम चाइनीज़ जैसा ही है, सी यू की, ठीक है, सी यू की, ठीक है, बहुत ही इजी सा नाम है, याद रखिएगा, सी यू की नाम की इसने बुक लिखी थी। उसमें क्या लिखा होगा सोचिए जरा, आप ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया है, ठीक है, वर्धन डायनेस्टी चल रही थी उस समय, तो वर्धन डायनेस्टी के रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो सब इसकी बुक में मिलती है। 15 साल रहा भैया, कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा, ठीक है। तो हर्ष के टाइम की जानकारी मिलती है इसमें, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में थी, है ना, उसके बारे में इसने लिखा है। और ये आपको मैं एक बता दूं, ये जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, फिर ये पढ़ाने लग गया, ठीक है, तो इसका प्लेसमेंट बहुत जल्दी हुआ। और इसने अपनी बुक में एक चीज़ लिखी है, इसने लिखा है कि जब मैं नालंदा में था
तब वहाँ के जो कुलपति थे, ठीक है, जैसे हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, सो जो उस समय के कुलपति थे वहाँ के, उनका नाम था आचार्य शिल भद्र। ठीक है, आचार्य शिल भद्र थे, ये किसने लिखा है, हिंसेंग ने लिखा है, खुद ने अपने अपने को खुद को वो बता रहा है वो, कि जब मैं नालंदा में था तब वहाँ के कुलपति शिल भद्र थे। ठीक है, तो हमें बस इतना ध्यान रखना है हिंसेंग में, क्या चीनी यात्री था, ठीक है ना, हर्षवर्धन के टाइम पे आया है, 15 साल रहा भारत में, बुक सीयू की लिखी इसने, हर्ष के टाइम की जानकारी मिलती है इसके इसमें, और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा है, पहले स्टूडेंट था फिर टीचर बन गया। ठीक है, और इसने लिखा है, जब मैं नालंदा में था तब वहाँ के कुलपति शिलभद्र थे। ठीक है, तो ये चारों ट्रेवलर्स थे, मैं एक बार फटाक से रिविजन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा फाययान। फाययान कौन था, गुप्त राजा के टाइम पे आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। ठीक है, फोगोजी नाम की बुक लिखी जिसमें रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम के बारे में पता लगता है, गुप्त काल की डिटेल मिलती है, मध्य प्रदेश के लोगों को इसने प्रॉस्परस बताया है, मालवा का जो क्लाइमेट है वो वर्ल्ड का सबसे अच्छा क्लाइमेट है, ये किसने बताया, फाययान ने बताया। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने किसके बारे में पढ़ा था, इत्सिंग के बारे में। इत्सिंग कौन है, 7th सेंचुरी में आया है, चाइनीज ट्रेवलर है, ट्रांसलेटर है, कंटेम्प्रेरी इंडिया, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में इसने लिखा है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा सुइंगयांग। सुइंगयांग के बारे में हमें कुछ भी याद नहीं करता, बस इतना याद रखना है कि वो चीनी यात्री है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था ह्यूनसेंग। ह्यूनसेंग कौन है, चीनी यात्री है, हर्षवर्धन के टाइम पे आया, 15 साल भारत में रहा, सीयू की नाम की बुक लिखी, हर्षवर्धन के टाइम की डिटेल मिलती है इसके टाइम पे, नालंदा यूनिवर्सिटी में ये पढ़ता था, फिर वहाँ पे पढ़ाने लग गया, और इसने लिखा, जब मैं नालंदा में था तब वहाँ के कुलपति कौन थे, शिलभद्र थे। ठीक है, तो ये चाइनीज ट्रेवलर्स खत्म हुए, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे अरेबिक राइटर्स नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।